हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ये वाला मेकअप लुक, जिसमें मैंने क्रिएट किया है ब्लू स्मोकी आई विथ न्यूड लिप्स। तो बेसिकली मैंने ये लुक क्रिएट किया किसी भी पार्टी के लिए, तो आप किसी भी पार्टी में जाने से पहले इस लुक को क्रिएट कर सकते हैं, बहुत ही ईजी सा है। तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो आपको करना है मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं अपने फेस को मॉइस्चराइज करूंगी। इसके लिए मैंने यहाँ पे यूज़ किया है सेटाफिल का मॉइस्चराइजर, और ये मॉइस्चराइजर जो है ड्राई स्किन वालों के लिए एकदम परफेक्ट है। ये आपकी स्किन को परफेक्टली हाइड्रेट रखता है। उसके बाद मैंने यहाँ पे यूज़ किया है लैक्मे का प्राइमर, और अपने टी जोन एरिया पे फोकस करते हुए मैं इसे अपने पूरे फेस पे अप्लाई कर लूंगी। तो यहाँ पे सबसे पहले हम आई मेकअप से स्टार्ट करेंगे, और इसके लिए मैंने यहाँ पे यूज़ किया है मेकअप रेवोल्यूशन की कंसील एंड डिफाइन कंसीलर, और इसमें मेरा शेड है C9, और इसे मैं अपने अंडर आई एरिया पे और आईलिड पे अच्छे से लगाने के बाद एक ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से इसे ब्लेंड कर लूँगी। क्योंकि हमने आईज पे हैवी लुक रखा है, इसलिए मैंने इसको आई मेकअप से स्टार्ट किया, ताकि थोड़ा बहुत अगर फॉल आउट होगा तो बाद में वो क्लीन हो जाएगा। और उसके बाद इस कंसीलर को सेट करने के लिए मैंने यहाँ पे यूज़ किया है वेट एंड वाइल्ड का कॉन्टोरिंग पैलेट, और इसमें मेरा शेड है कैरेमल टॉफी, और इसे मैं ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से जो येलो वाला शेड है उसे मैं इस कंसीलर को सेट कर लूँगी। उसके बाद मैंने यहाँ पे मेबेलिन का काजल लिया है, और सबसे पहले हम बेस क्रिएट करेंगे। तो मैं एकदम से थिक आईलाइनर को ड्रॉ कर लूँगी एकदम रैंडमली, हमें बिल्कुल भी इवन होने की रिक्वायरमेंट नहीं है, एकदम रैंडमली हम ड्रॉ कर लेंगे। और उसके बाद एक स्मचर ब्रश की हेल्प से इसे स्मच कर लेंगे अच्छे से। तो गाइज़, यहाँ पे हम इस काजल को एज अ बेस इसलिए यूज़ करते हैं ताकि जिससे भी जो भी कलर हमको आईज़ पे प्लेस करना है, आईलिड पे लगाना है, उसका पिगमेंटेशन काफ़ी अच्छा आएगा, वो अच्छे से स्टिक कर जाएगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पे एज अ बेस काजल को यूज़ कर लिया है, अच्छे से स्मच कर लिया है। उसके बाद मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी मेकअप रेवोल्यूशन का आई शेडो पैलेट, और इसमें से ये जो ब्लू वाला शेड है जो कि मेरी ड्रेस का मैच हो रहा है, हल्का सा इसमें पर्पल टोन आ रहा है, उसे मैं फिंगर की हेल्प से ही पिक करूँगी और अपनी पूरी आईलिड पे प्लेस कर लूँगी। कोई भी आई शेडो अगर आप फिंगर की हेल्प से लगाते हो, जो कि बेसिकली शिमर आई शेडो होते हैं, तो उनका पिगमेंटेशन बहुत ही अच्छा आता है। सेकेंडली मैं थोड़ा सा डार्क शेड लूंगी, जिसमें बहुत थोड़े थोड़े सिल्वर कलर के शिमर पार्टिकल हैं, उसे मैं इसके साथ आने वाले ब्रश एप्लीकेटर की हेल्प से वापस पूरी आईलेट पे लगा लूंगी, जिससे कि हल्का हल्का शिमर लुक आएगा। अब मैंने सेम वेट एंड वाइल्ड का कॉन्टोरिंग पैलेट लिया है, ब्राउन शेड लिया है, और उसे कलर बार के ब्लेंडिंग ब्रश से लेकर उसे ब्लेंड कर लिया है अपनी क्रीज पे, आउटर कॉर्नर से इनर कॉर्नर की तरफ। अब मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी फेसेस कैनेडा का फाउंडेशन, और इसमें जो मेरा शेड है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, और इसे मैं पहले डॉट डॉट करके पूरे फेस पे अप्लाई कर लूँगी, और उसके बाद एक ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से मैं इसे ब्लेंड कर लूँगी, अपने नेक एरिया और ईयर पर भी लगा लूँगी, उसे हमें बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, ताकि फेस और नेक पर कोई भी डिफरेंस दिखाई ना दे। अब मैं वापस से वही सेम कंसीलर यूज़ करूँगी, मेकअप रेवोल्यूशन और कंसील एंड डिफाइन कंसीलर, और उसे अपने अंडर आई एरिया पे, अपने फॉरहेड पे, अपने नोज़ पे कुछ पॉइंट्स को हाईलाइट करने के लिए इसे प्लेस कर लूँगी, ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से इसे ब्लेंड कर लूँगी। अब फाउंडेशन एंड कंसीलर को सेट करने के लिए मैंने यहाँ पे यूज़ किया है मेबेलिन का सुपर फ्रेश कॉम्पैक्ट, और ये बहुत ही अच्छा कॉम्पैक्ट है, बहुत ही अफोर्डेबल है, 130 में आफ्टर डिस्काउंट आपको इजीली मिल जाएगा, और इसके साथ ये स्पंज एप्लीकेटर आता है, उसकी हेल्प से मैंने पूरे फाउंडेशन को सेट कर लिया है। ब्राउज के लिए मैंने यहाँ पे यूज़ किया है लॉरियल पेरिस का ब्रो आर्टिस्ट ब्रो प्रोमिड, और ये बहुत ही नेचुरल है, ये भी मुझे काफ़ी पसंद है, मेरा फेवरेट है। तो इससे मैं अपने आईब्रोज को उसी शेप के अंदर फिल कर लूँगी, और ये बहुत नेचुरल लगता है, आपके आईब्रोज बिल्कुल भी फेक नहीं लगती है। वापस मैंने यहाँ पे किया है मेबेलिन का काजल, और अपनी वॉटरलाइन पे मैं इसे लगा लूंगी, और उसके बाद हम इस काजल को वापस आई शेडो के कलर से ही स्मच करेंगे। तो इसके लिए मैंने वापस मेकअप रेवोल्यूशन का आई शेडो पैलेट लिया है, और सबसे पहले ब्लैक शेड लूंगी, और इस ब्लैक शेड को मैं इस काजल के साथ स्मच कर लूंगी अच्छे से, और उसके बाद ये ब्लू वाला शेड लेकर इसे भी मैं अपने काजल के साथ स्मच कर लूँगी। इससे बहुत ही अच्छा स्मोकी इफेक्ट आता है, और अपनी आईज़ भी कंप्लीट लगती है। अब मैंने यहाँ पे यूज़ किया है वेट एंड वाइल्ड का मेगा लेंथ मस्कारा, और सबसे पहले मैं इस मस्कारा को अपर लैश पर और लोअर लैश पर अप्लाई कर लूँगी, देन मैं अप्लाई करूँगी फेक आई लैशेज, और उसके बाद अगेन मैंने मस्कारा अप्लाई किया ताकि फेक आई लैशेज में कोई भी डिफरेंस दिखाई ना दे। अब हम फेस की कॉन्टोरिंग करेंगे, जिससे कि हमारा फेस जो है वो स्लिम नज़र आए, एकदम परफेक्ट शेप में नज़र आए, और इसके लिए मैंने सेम पैलेट यूज़ किया है वेट एंड वाइल्ड का कॉन्टोरिंग पैलेट, कैरेमल टॉफी मेरा शेड है, और अपने चीक्स को कॉन्टोर कर लूँगी, अपने नोज़ को कॉन्टोर कर लूँगी, फॉरहेड को, जहाँ जहाँ मुझे रिक्वायरमेंट है वहाँ वहाँ मैं कॉन्टोरिंग कर लूँगी, और ये भी बहुत ही अच्छा पैलेट है, बहुत ही अफोर्डेबल है, और बहुत ही पिगमेंटेड पैलेट है।
ब्लश के लिए मैंने यहाँ पे यूज़ किया है वेट एंड वाइल्ड का कलर आइकन ब्लश, और इसका शेड मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। और मैं यहाँ पे हल्का हल्का ब्लश अप्लाई कर लूँगी, इसमें भी हल्की सी शाइन है। और उसके बाद मैंने यहाँ पे यूज़ किया है वेट एंड वाइल्ड का हाइलाइटर, ये भी बहुत ही नेचुरल हाइलाइटर है, इसका भी शेड मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। और इस हाइलाइटर को अपने यूजुअल पॉइंट को हाईलाइट करने के लिए मैं अप्लाई कर लूँगी अपनी नोज़ पे, फॉरहेड पे, आइज़ के इनर कॉर्नर पे, आईब्रोज पे, चिक्स पे और अपने लिप्स पे। अब लिपस्टिक के लिए मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी मेबलिन की कलर सेंसेशनल क्रीमी मैट लिपस्टिक, और इसमें मेरा शेड है टच ऑफ स्पाइस। तो सबसे पहले मैं इसको अप्लाई कर लूँगी और उसके बाद मैं इसके ऊपर अप्लाई करूँगी लैक्मे 925 लिप एंड चिक कलर, और इसमें जो मेरा शेड है वो है ब्लश वेलवेट। तो इसको मैं इसके बाद मैं इसको ऊपर अप्लाई कर लूँगी। आइज़ को हमने स्मोकी रखा है इसलिए हमने लिप्स जो है वो न्यूड रखे हैं। तो गाइज़ यहाँ पे मेरा लुक कंप्लीट होता है। मैंने इयररिंग को वियर कर लिया है जो कि मैंने डब्लू के शोरूम से परचेस किए थे, और ये है मेरा फाइनल लुक। आई होप गाइज़ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय।